अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मैं वापस आ गई हूँ इतने दिनों की छुट्टियाँ करने के बाद। तो मैं कहाँ पे थी, कहीं पे भी नहीं थी। बस ये होता है कि जब आप व्लॉग नहीं बना रहे होते फिर गैप आ जाता है, फिर आपको सुस्ती हो जाती है, फिर दिल नहीं करता और फिर आप सोचते हो कि कल कल कल, और फिर वो कल नहीं आती। खैर देर वॉज नो रीज़न, बस ये था कि मई में मैं बीमार थी और उसके बाद फिर मई के सेकेंड थर्ड वीक में मेरा दिल ही नहीं किया और अब जून आ चुका है। लेकिन फाइनली आई एम बैक। अब कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉगिंग करूँ, कोशिश करूँगी। आई डोंट प्रॉमिस बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो जो टाइटल है व्लॉग का आज का, 24 आवर्स सेइंग येस टू हस्बैंड। खैर पूरा दिन तो मैंने येस ही किया था, लेकिन व्लॉग का आइडिया काफ़ी लेट आया तो मैंने कभी से इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। आज सुबह का नाश्ता भी हस्बैंड की चॉइस का था, लंच भी हस्बैंड की चॉइस का था और उन्होंने मुझसे काफ़ी सर्विसेज भी ली थी घर पर। लेकिन मुझे आइडिया बहुत आया कि मुझे ब्लॉग कर लेना चाहिए। तो खैर जी अभी पहली जो हस्बैंड ने फरमाइश की है वो की है कि उनको कॉफ़ी चाहिए, तो कॉफ़ी लेने के लिए मैं आ गई मैकडॉनल्ड्स। सो जी आज मैं पे करने वाली हूँ हर उस चीज़ के लिए जो हस्बैंड को चाहिए होगी, उनको कुछ खाना होगा या कुछ भी। टाइम बहुत कम है, लेट बहुत घर से हम लोग निकले हैं और मुझे तो ये शूट करने का आइडिया भी काफ़ी लेट आया, तो जो भी थोड़ा बहुत होगा आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस। तो चलिए जी इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, जल्दी से कॉफ़ी लेते हैं, चलते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। सो जी नेक्स्ट हमारा स्टॉप है सेंटर पॉइंट पे और यहाँ पे हस्बैंड को चाहिए टी शर्ट्स, शॉर्ट्स और इस तरह के गर्मियों की कुछ कपड़े चाहिए हल्के पुल्के से, तो वो हम लोग लेने आ गए हैं यहाँ पर। और मैंने हस्बैंड को बोला है कि वो जाकर चूज़ करें सारी चीज़ें और फिर वो ट्राई करेंगे और फिर उनको जो पसंद आएंगे वो ले लेंगे। मीनवाइल मैंने कहा मैं थोड़ा रोम अराउंड कर लेती हूँ और देख लेती हूँ कि ऐसा क्या पड़ा है जी यहाँ पर, क्योंकि छोटी ईद के बाद मैं अभी आई हूँ यहाँ पर और यहाँ पर जो सेल थी वो बहुत ही लिमिटेड चीज़ों के ऊपर थी सेल, हर एक आइटम पर नहीं थी। लेकिन ये था कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, जैसे कि ये बैग बहुत अच्छा था और लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटा साइज़ में था, लाइक इसमें एक फ़ोन आ सकता है मेरा और एक लिपस्टिक के अलावा कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये था कि प्यारा था। तो खैर जी मैंने कहा हस्बैंड जितनी देर अपने लिए कपड़े चूज़ करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े चूज़ी हैं, वो टाइम लगाते हैं, फिर वो ट्राई करने में भी टाइम लगाते हैं, तो मैंने कहा जितनी देर वो ट्राई करते हैं, वो कपड़े वगैरह चूज़ करते हैं, उतनी देर मैं भी देख लेती हूँ कुछ शायद कुछ अच्छा मिल जाए। तो यहाँ पर जी मैं लॉन्ग ड्रेसेस देख रही थी क्योंकि गर्मियाँ हैं तो अच्छे लगते हैं ऐसे कपड़े पहनना, और मैंने कहा देख लेते हैं ऐसा कुछ अच्छा सा अगर मिल जाएगा तो मैं भी ले लूँगी, क्योंकि मेन सेक्शन बहुत बोरिंग होता है, उधर आपके करने का या देखने का कुछ भी नहीं होता। तो मैंने कहा जितनी देर हस्बैंड चूज़ करते हैं उतनी देर मैं यहाँ पर एक चक्कर लगा लेती हूँ, शायद मुझे भी कुछ अपने लिए मिल जाए। तो जो यहाँ पर हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा टी शर्ट्स निकाली हैं ट्राई करने के लिए, एक दो वो पहले ट्राई कर चुके थे
लेकिन उनका अक्सर ये होता है कि उनको कभी लार्ज आता है, कभी मीडियम आता है, और उस चक्कर में हमेशा फिर मुझे एक्सचेंज के लिए आना पड़ता है। तो मैंने कहा आप सारी ट्राई करें, एक पर ना रहें कि एक ट्राई कर लिया तो ठीक होगी। तो अभी बाकी ये दो सिलेक्ट हो गए हैं जो उन्होंने मुझे दी हैं बकाया, ये भी सारी उन्होंने ट्राई कर ली थी। तो ये सारी टी शर्ट्स लिए हैं जी हस्बैंड ने। शॉर्ट्स वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत मोटी थी। गर्मी यहाँ पर इस कदर ज़्यादा है आजकल कि मत पूछें, कि जीन्स आदमियों के लिए पहनना ना एक अजाब से कम नहीं है। तो फिर मैंने कहा जो अच्छी लगी हैं वो ले लें। तो काफ़ी ज़्यादा टी शर्ट्स हस्बैंड ने ले लिया हैं। इससे पहले R&B पे भी हम लोग रुके थे थोड़ी देर के लिए, वहाँ से भी उन्होंने दो टी शर्ट्स ली थी। तो बस ये यहाँ से उन्होंने ले ली हैं जी टी शर्ट्स। मैंने कहा मैं भी एक चक्कर लगा लेती हूँ, और क्योंकि जब आप आते हैं मॉल के अंदर फिर आपका दिल करता है कि आप भी कुछ ले लो, आपको भी कुछ मिल जाए। लेकिन आज मेरी किस्मत में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। और जो एक आधी चीज़ पसंद आ भी रही थी तो उसमें साइज़ के इशूज़ थे, इस तरह की चीज़ें थी। तो मैंने कहा चलें आज का नाम सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के नाम। तो हस्बैंड तो टी शर्ट्स ले चुके हैं, तो मैंने कहा आप जाएं बिलिंग की लाइन में लग जाएं, क्यू में लग जाएं, क्योंकि क्यू बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। तो हस्बैंड जा रहे हैं क्यू में खड़े होने के लिए। तो मैंने कहा मैं थोड़ा बहुत हर जगह से घूमते हुए जब तक पहुँचूँगी तब तक हमारी टर्न आ ही जाएगी, क्योंकि फ्राइडेज़ पे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। सो जी नेक्स्ट स्टॉप है हमारा ऊद और बखूर लेने के लिए। उससे पहले हम लोग परफ्यूम शॉप पे गए थे, वहाँ से हस्बैंड ने अपने लिए एक परफ्यूम लिया, और अब हम लोग आ गए यहाँ पर बखूर लेने के लिए। उनको अपनी गाड़ी में चलाने के लिए और ऑफिस में करने के लिए चाहिए थी। तो बस आज ये वाला ख़र्चा ज़्यादा महंगा है, क्योंकि ये बखूर बहुत महंगी होती है। लेकिन यहाँ मसला ये था कि उसके पास कोयले ख़त्म हो चुके थे, और चेक करने के लिए हम सिर्फ सूंघ कर चेक कर सकते थे, जला कर चेक नहीं कर सकते थे। तो फिर मैंने कहा पूरे मॉल में और भी स्टोर्स हैं, हम वहाँ चलते हैं जहाँ पर हम जला कर चेक कर सकें, क्योंकि सही पता इसका तभी चलता है जब आप इसको जलाते हो और जला कर देखते हो, तो फिर आपको इसके एग्जैक्ट खुशबू का पता चलता है। तो पहले स्टोर पे तो बात नहीं बनी, अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, वहाँ पे भी जाके हम लोग चेक करेंगे जहाँ से हमेशा मैं लेती हूँ। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर हस्बैंड ने चूज़ कर ली है ये वाली। सो जो स्टोर का नाम है ऊद अलाइट, और यहाँ पर बखूर बहुत अच्छी होती है। लाइक अगर आप छोटी सी स्टिक भी जलाते हो ना तो आपके पूरे रूम में बखूर हो जाती है, और काफ़ी देर तक लास्ट करती है, लाइक 6 to 8 hours तक तो लास्ट करती करती है, अगर आप खाना वगैरह वहाँ पे बैठ कर नहीं खाते तो नेक्स्ट डे तक भी खुशबू आती ही आती है। तो वो उन्होंने बखूर भी ले लिए जो कि वो ऑफिस में और गाड़ी में यूज़ करने वाले हैं। अब हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, और टाइम जो था वो बंद हो गया था, मॉल के क्लोजिंग टाइम ही चल रहा था। तो अभी हमारे पास कोई फैंसी जगह पर जाने का टाइम नहीं था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो हमने ये डिसाइड किया कि सामने ही एक बहुत फेमस यमनी रेस्टोरेंट है, वहाँ जाकर यमनी फूड खाते हैं, जो कि मंदी वगैरह होती है। तो हस्बैंड का फेवरेट फूड है राइस, चिकन, मटन, इस तरह की यमनी जो फूड होता है। तो मैंने कहा वो ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि एक तो हम मॉल के बिल्कुल सामने ही हैं, हमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, और टेस्ट और क्वालिटी बेस्ट होती है।
तो जी ये रहा हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट, जहाँ पर खाने के लिए आप किसी भी वक्त आ जाओ, रात में लेट नाइट भी आ जाओगे आप तो आपको खाना फ्रेश ही मिलता है। यूजली जो यमनी प्लेसेस होती हैं या मंदी प्लेसेस होती हैं, वहाँ पर रात में आपको इतना फ्रेश खाना नहीं मिलता, स्पेशली राइस। तो इनके राइस भी सुपर फ्रेश होते हैं और इनका सूप और जो इनकी सारी चीज़ें होती हैं ना, बहुत अच्छी होती हैं। लाइक किसी भी वक्त आप आ जाओ। तो मेरे हस्बैंड फ्रेश होने गए हैं और अभी तक हस्बैंड ने ज़्यादातर तो हस्बैंड ने टी शर्ट्स ही ली हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जीन्स ट्राउजर्स की शॉपिंग ऑलरेडी वो कर चुके थे। शूज़ वगैरह उनको इतने खास चाहिए नहीं थे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा है जो वो फ्लैट से चप्पल जो होती है, सैंडल्स जो होती हैं, वो इतनी खास यहाँ पर मिलती नहीं है। उनके लिए स्पेशली शॉप्स होती हैं जो मनी लोग पहनते हैं ना, तो हस्बैंड वहीं से जाकर लेकर आते हैं, जो कि एक पूरी प्रॉपर मार्केट है सीप सूप में। तो खैर जी यहाँ पर खाना आ गया, शॉपिंग तो डन हो गई है, कॉफ़ी भी पी ली मैंने, कहा खाना भी हस्बैंड की चॉइस का खा लेते हैं। और यूजुअली मैं फ्राइडेज़ पे जो होता है ना, मैंने जो भी फास्ट फूड का आइटम कुछ खाना होता है ना, वो मैं फ्राइडेज़ पे खा लेती हूँ, क्योंकि फ्राइडेज़ पे मेरा दिल होता है कि कुछ मैं इस तरह का चीट मील या कुछ इस तरह का बहुत ही मज़ेदार सा हैवी सा खाऊं, जो मेरा दिल करता है खाने को, क्योंकि पूरा हफ्ता तो वही चीज़ें घर में बन रही होती हैं, हमारे देसी कुजीन वगैरह बन रहा होता है, या ऑन एंड ऑफ मैं कुछ ऑर्डर भी कर लेती हूँ, लेकिन फ्राइडेज़ पर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं देसी ना खाऊँ। लेकिन आज हस्बैंड का दिन है तो खाना भी उनकी पसंद का होगा। तो ये रहा जी सूप, साथ में सैलेड है, चटनी है और साथ में है जी ग्रिल चिकन विद मंदी राइस। सो जी डे एंड हो गया है और मैंने हस्बैंड से पूछा उनको कैसा लगा। कुछ देर के लिए एज अ किंग मैंने इनको ट्रीट किया, जो उनको कहा वही हुआ, जो उन्होंने कहा वही हुआ, क्योंकि यूजुअली मैं ज़्यादातर नहीं मानती, ज़्यादातर चीज़ें मेरी मर्ज़ी की होती हैं, लेकिन आज सब कुछ उनकी मर्ज़ी का था। तो ही वॉज़ लाइक इट वॉज़ अ बेस्ट डे, क्योंकि सब कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा था। तो ही वॉज़ लाइक अगर इसी तरह तुम रहो तो कितना मज़ा आए। मैंने कहा ऐसा हज़ारों सालों में एक दफ़ा हो सकता था, जो कि आज के दिन हो चुका है और आपको मज़ा आया तो मुझे खुशी हुई। तो चले जिस व्लॉग को एंड कर देती हूँ। आई विल सी यू टुमारो गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड